दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर किसी हिंदी फिल्म के लिए ज़बरदस्त क्रेज़ देखने को मिल रहा है और ब्रह्मास्त्र इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर में काफ़ी बेहतरीन एडवांस बुकिंग ले चुकी है और उन्हीं सभी हेटर्स की बोलती बंद कर चुकी है जो कि इस फिल्म के रिलीज के पहले ही इस फिल्म को फ्लॉप करने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र की अभी तक के टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से इस फिल्म की जो एडवांस है वो कितने करोड़ की हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म ब्रह्मास्त्र का बजट 450 करोड़ है और इस फिल्म के लीड में आपको इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द टॉप एक्टर्स यानी कि रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, नागा अर्जुन, मौनी रॉय और कई सारे एक्टर्स नज़र आने वाले हैं। आयन मुखर्जी ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है जो कि इससे पहले वेकअप सीड, ये जवानी है दीवानी और कई सारी बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं और उनके ही डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म एक विजुअली ग्रैंड फिल्म है जो कि हिंदू अस्त्रों के ऊपर बनाई गई है। और दोस्तों इस फिल्म में आपको वो सभी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि आप लार्जर देन लाइफ फिल्म देखना चाहते हैं और जो हॉलीवुड की बड़ी फिल्म है यानी कि एवेंजर्स जैसी फिल्मों में देख चुके हैं उससे कई ज़्यादा अच्छे विजुअल्स यहाँ पर फिल्म ब्रह्मास्त्र में दिखाई दे रहे हैं जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 9 सितंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर में लगभग 8,000 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया जा रहा है जिसके एडवांस को शुरू हुए आज 6 दिन हो चुके हैं और इन 6 दिनों में इस फिल्म ने एडवांस के मामले में इंडियन सिनेमा के साथ साथ वर्ल्ड वाइड सिनेमा की कई सारी बड़ी फिल्मों के तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस फिल्म ने अपने पहले दिन एडवांस में कई सारी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तो तोड़ दिए थे तो वहीं अपने 5वें दिन के एडवांस में इस फिल्म ने RRR जैसी बड़ी फिल्म को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा दी थी। आज इस फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 6ठा दिन है और आज की एडवांस भी इस फिल्म की काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है और ये फिल्म रणवीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी ओपनर संजू के भी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बॉक्स ऑफिस पर उससे भी आगे निकल चुकी है। तो वहीं अपने 5वें दिन के एडवांस में इस फिल्म ने RRR जैसी बड़ी फिल्म को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा दी थी तो आज इस फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 6ठा दिन है और आज के एडवांस भी इस फिल्म के काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है और यह फिल्म रणवीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी ओपनर संजू के भी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बॉक्स ऑफिस पर उससे भी आगे निकल चुकी है। इस फिल्म के अभी तक अपने पहले ही दिन की जो एडवांस है वो 8 करोड़ के भी आंकड़े को पार कर चुकी है लेकिन अपने दूसरे और अपने तीसरे दिन के इस फिल्म के जो एडवांस है वो 14 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। ऑडियंस के बीच में इस फिल्म के लिए जिस तरह का एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले 4 सालों में रिलीज होने वाली बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है और साथ ही साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर साउथ की इस साल की रिलीज होने वाली बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। इस फिल्म की अभी तक की जो टोटल एडवांस है वो हिंदी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 25 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की जो एडवांस है वो 30 करोड़ के भी आंकड़े को पार कर चुकी है। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन कम से कम 50 करोड़ से बड़ी ओपनिंग लगने वाली है। वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 70 से 100 करोड़ के बीच की ओपनिंग ले सकती है क्योंकि ओवरसीज में इस फिल्म को डिज्नी जैसा बड़ा प्रोडक्शन हाउस रिलीज कर रहा है। यही वजह है कि इस फिल्म से उम्मीदें तो कई ज़्यादा है। अब देखना यही है कि क्या ये फिल्म अपनी रिलीज से पहले तक 35 करोड़ से ज़्यादा की एडवांस इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा की एडवांस लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ले पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है, अगर रिव्यूज़ अच्छे मिलते हैं तो ब्रह्मास्त्र सिनेमा की वन ऑफ द टॉप ग्रॉसर फिल्म बन पाएगी या नहीं और बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएगी या नहीं, हमें कमेंट कर अपनी राय बिल्कुल दीजिए। और दोस्तों इस फिल्म से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।